हां जी गाइस, तो कैसे हो आप सब। सो दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं लैब्राडोर के बारे में, जो कि काफी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही समझदार डॉग ब्रीड है और इसी वजह से ये इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। एंड जो लोग फैमिली डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड में आता है लैब्राडोर, क्योंकि भाई ये वर्ल्ड की सबसे फेमस एंड एक परफेक्ट फैमिली डॉग ब्रीड है। तो अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या इसकी लोकेशन है, क्या प्राइसिंग है और किस तरह की डॉग ब्रीड है, तो ये सभी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो प्लीज वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वैसे दोस्तों, मैं कमेंट्स वगैरह में देखता हूँ बहुत सारे लोग डॉग अर्जेंटिनो के लिए डिमांड करते हैं, तो ये डॉग्स अभी तक अवेलेबल है और उन्होंने पहले से प्राइस काफी कम कर दिया है। तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन लैब्राडोर पपीज के बारे में बात करें तो भाई पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है और काफी एक्टिव भी। वैसे भी हमेशा आप लोगों को एक एक्टिव पपी परचेज करना चाहिए। वैसे दोस्तों, काफी लोग ज्यादा छोटे पपीज लेने से डरते हैं, वो उन्हें रिस्की मानते हैं कि भाई कहीं पपीज को कुछ हो गया या वायरस वगैरह लग गया तो। बट यहाँ पर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पपीज जो है ये 70 डेज के हो चुके हैं। वैसे इस टाइम तक पपीज का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वायरसेस वगैरह लगने के थोड़े कम चांसेस होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस टाइप से वैक्सीनेशन और कितनी टाइम आप लोग रिफॉर्मिंग करते हैं। तो लैब्राडोर का जो टेम्परामेंट है ये बिल्कुल फ्रेंडली है। अगर आप लोगों के घर में कोई स्ट्रेंजर्स आते हैं या कोई एनिमल्स आते हैं तो शायद ये उनके ऊपर भी बार्क ना करें। तो इसीलिए लैब्राडोर उन लोगों की सबसे पहली पसंद है जो अपने छोटे बच्चों के लिए कोई क्यूट सा डॉग लेना चाहते हैं। और लैब्राडोर का मेंटेनेंस खर्च भी इतना ज्यादा नहीं होता, तो आप लोग काफी कम पैसों में इन्हें काफी अच्छे से रख सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इजी टू ट्रेन होते हैं, इन्हें ट्रेन करने में आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वैसे गाइस, ओनर के पास सिर्फ ये मेली पपीज अवेलेबल है और मुझे नहीं पता कि उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दिया या फिर नहीं, तो इस बारे में आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हो। वैसे फ्रेंड्स, अगर इन पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज की मदर, जो कि काफी हेल्दी एंड काफी अच्छी क्वालिटी में है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि फीमेल पपीज देने के बाद भी भाई कितनी हेल्दी है, तो इस चीज से पता लगता कि उन्होंने अपने डॉग्स को कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एज तो मैं आप लोगों को इन पपीज की ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो अगर बात करें लोकेशन के बारे में, तो ओनर की जो लोकेशन है वो है चाणक्यपुरी, दिल्ली NCR से। एंड गाइस, इनमें आप लोगों को डिलीवरी को लेकर एक ही ऑप्शन मिलता है और वो है डायरेक्ट विजिट करके इन्हें परचेज करने का, क्योंकि ओनर कैपेबल नहीं है कि आप लोगों को वो डिलीवरी प्रोवाइड करा पाए। तो अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है डायरेक्ट आना तो ही आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करें। एंड फाइनली अगर प्राइस के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि पपीज जो है ये सिर्फ मेनली अवेलेबल है, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 9,000 रुपीज, यानी सिर्फ 9,000 रुपए। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप लोग डायरेक्ट घर आते हैं इन्हें परचेज करने के लिए तो प्राइस और भी कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरह से बार्गेनिंग करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।